गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी बच्चे लोग का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की ये जो स्पेशल क्लास है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, सुपर 25 क्वेश्चन, तो आज की ये क्लास बच्चा लोग आप लोग को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलने जा रही है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सभी लोग इसको लाइव क्लास की तरह ही, जैसे कि हम क्लास में सॉल्व करते हैं, सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं और सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक के बाद एक क्वेश्चन आते जाएंगे और फिर हम उनको डिस्कशन करना आगे उनके सोल्यूशन के बारे में बात। तो चलिए बच्चा लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आ चुके होंगे, आप सभी को वॉइस मेरा प्रॉपरली आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन और लेकर के आते हैं सबसे पहला सवाल। देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका है जो हमें एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए, उसी चीज के लिए हम आज इकट्ठे हुए। हम लोग देख रहे हैं सुपर 25 क्वेश्चन एग्जाम। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल भाई। तो सबसे पहला बच्चा आ रहा है क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। तो मैंने ये टाइमर ऑन कर दिया और आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग को बनने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे विद इन 30 सेकंड बनाएंगे और आंसर बनाने के बाद आप सब लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर करते जाएंगे। डू नॉट वरी, मैं देख पाऊंगा कि कौन कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। रिकॉर्डिंग क्लास को भी लाइव की तरह ही लेना है, आंसर कीजिए, दिन इसके बाद सोल्यूशन कमेंट कीजिए, सोल्यूशन देखिए और फिर अगले क्वेश्चन पे मूव कर दीजिए। तो चलो, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने बना लिया होगा और अगर जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी 936। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे सोल्यूशन बन रहा है इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है सलमा बायज एन आर्टिकल एंड देन सेल्स इफ तो कहता है 10% के लॉस पे सेल किए, मतलब जब पहली बार सेल किए भाई तो 90% 90% में सेल किए बच्चे, और यही 90% कितने रुपए के बराबर दे रखा है 810 रुपीज के। तो 90% अगर 810 के है तो आप कहेंगे सर 009 से चला जाएगा 1 और 9 से चला जाएगा, यानी कि 1% कितने के बराबर आया 9 के, तो 1% आ गया 9 रुपीज के। हम ये नोट करके लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है देन एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल इट टू गेन 4%, 4% के प्रॉफिट के लिए उसे कितने परसेंट में सेल करना है, तो हम कहेंगे भाई 104 में सेल करना पड़ेगा। 104% मतलब 104 × 9, दिस इक्वल्स टू 930। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग आप लोगों को समझ आ गई होगी बात, छप गया होगा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बार रिकॉल कर लिया आपने, सारे टॉपिक्स का कंप्लीट रिवीजन हम लेकर के आए हैं और उसको देखेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें और देखते जाएं हर एक टॉपिक के कौन से टॉपिक में आपको कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं या जिनमें जो प्रॉब्लम्स है, आप उनके रिलेटेड वीडियोस को जरूर एक बार।
जैसे कि जो बच्चा पहली बार प्रॉफिट लॉस देख रहा है तो प्रॉफिट लॉस के वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट से जरूर देखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बच्चे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखते हैं सबसे पहला जवाब बनाने वाला बच्चा बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 320 अमाउंट्स टू रुपीज 405 इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एट 12.5% पर एनम। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन करता है। तो बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए होंगे उम्मीद करता हूं मैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर दिया है तो थोड़ा सा मैं समय आपके लिए और दे दे रहा हूँ 30 सेकंड का। चलते हैं फिर इसके बाद हम आंसर्स देखेंगे और जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। बस देखते हैं। चलिए तो अब दिखा दिया जाए आंसर क्योंकि बच्चों ने बना लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू। यस, कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करें, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 320। कह रहा एक प्रिंसिपल है कितने रुपए का, 320 रुपीज। क्वेश्चन के बाद वो अमाउंट बन जाता है कितने रुपए का, 40। किस रेट से बन रहा, 12.5% से, ये नहीं पता कि कितने टाइम में हो जाए। 12.5% के रेट से हो जा रहा है लेकिन कितने इयर्स में हुआ ये नहीं पता। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन को, बच्चा लोग हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक साल होगा, पहले मैं फर्स्ट ईयर वन ईयर की बात करता हूं, देखिएगा अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 12.5%, बच्चा लोग 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना होता है बताओ, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है बच्चा लोग 1/8 होता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 8 से 9 होगा। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 8 से 9 होगा। अगर 8 आप ले लेते हैं 8 4 3 20 तो 9 4 3 60, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अमाउंट 405 नहीं। इसलिए अब मान लेते हैं कि 2 साल कंप्लीट है, जस्ट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं अगर 2 साल तो हम कहेंगे भाई 8 से 9, समझिएगा बच्चा, फिर से 8 से 9, यानी प्रिंसिपल 8 8 64 99 80 64 यूनिट का वैल्यू, 64 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चे, 320। कितना मल्टीपल है, आप कहोगे सर फिफ्थ मल्टीपल है, 64 × 5 320। अगर यहाँ इंटू 5 हुआ तो इंटरेस्ट कितने का मिला, 64 से 81 17 यूनिट का, 17 यूनिट का इंटरेस्ट मिला, इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का। 17 यूनिट का इंटरेस्ट मिला और इसमें भी जब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का तो मिल जाएगा कितना, 85 रुपीज। या कि आप एक काम ये कर लो डायरेक्ट, आप या कि काम ये कर लो 81 × 5 कर दो, 81 × 5 कर दो, देखो आंसर आया 405। जी हाँ, जैसे ही हमने 2 इयर्स माने, 2 इयर्स में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 इयर्स हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब ये है बच्चा लोग अगला सवाल, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का, लेकिन थोड़ा हटके है क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे लोग बनाएंगे, बनाए भाई। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का क्या बताता हूँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन मेथड भी बताऊंगा और उससे भी देख कर लेंगे हम लोग जल्दी से, और कैसे इस क्वेश्चन को हम करेक्ट करेंगे जल्दी से वो भी बताऊंगा, पूरा बेसिक भी बताऊंगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 16x² + 8x + 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्क। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16x² + 8x + 1 है तो पार्क की लंबाई कितनी है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सर ये वर्गाकार है, जब स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का है, वर्गाकार जब है तो जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान लंबाई की होती है। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि कहीं पे भी, अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसमें हर जगह प्लस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये माइनस वाला ऑप्शन नहीं हो सकता।
फिर इसके बाद 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कह रहा एक लेंथ। अगर हमसे एरिया कहता कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम सोचते कि भाई स्क्वायर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4x का तो होल स्क्वायर 16x स्क्वायर भी हो, बाकी और सब नहीं आ पाएंगे। मतलब बचता है ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये ऑप्शन मेथड से हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, या कि बच्चा लोग आप ऐसा भी कर 16x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 1, इसको हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं हम ए स्क्वायर साइड है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइड है ए, तो हम कहेंगे ये है 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू और प्लस 1 स्क्वायर। तो देखिए गौर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस बच्चा लोग ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट मींस ए या साइड लेंथ चाहे पूछे चाहे ब्रेड, तो सब इक्वल होगा। तो आप कहोगे सर 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे लोग को कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले सवाल की ओर लेकर के आते हैं अगला सवाल। सारे बच्चे लोग रेडी रहे, देखिए ध्यान से बनाते चलिए। भले ही रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में चल रही है क्लासेस, लेकिन आपको लाइव क्लास की तरह बिल्कुल एंड तक रुकना है और सारे क्वेश्चन अपने टेस्ट करने बेटा, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो सही से, क्योंकि एग्जाम से बिफोर एग्जाम आप समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्स आपके आगे होने वाले हैं, उनके लिए तैयार। अगला सवाल बच्चा, ये रहा अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का, लेकिन एकदम आसान, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पीक्यू एंड आरएस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में PQ और RS क्रम से 16 और 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं, यदि वे केंद्र के विपरीत दिशा में हैं तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। उम्मीद करता हूं बच्चों के आंसर आ गए होंगे, आप लोग आंसर करना स्टार्ट भी कर रहे होंगे, इसीलिए मैं दिखा देता हूं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे हुआ, आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सर्कल है आपके सामने दिख रहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। मान लेते हैं कि ये वो कॉर्ड यानी कि जीवा PQ है जिसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगर ये PQ 16 सेंटीमीटर की है और ये पॉइंट में मान लेता हूं, ये पॉइंट में मान लेता हूं M, तो P से M की लेंथ ये भी 8 सेंटीमीटर हाफ हो जाएगी और ये भी 8 सेंटीमीटर हाफ हो जाएगी। अब आ जाते हैं RS के पास में, PQ हो गया, देन इसके बाद RS। RS में भी ये परपेंडिकुलर है, आप कहेंगे सर ये दोनों लेंथ क्या होंगी, 12 होंगी। अब कहता है RS की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। कहता रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है तो आप मान लीजिए ये पॉइंट है N। तो बच्चा लोग ट्रायंगल OMP, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरन ट्रिपलेट चल रहा है, देखिए ध्यान से कौन सा है, आपको पता है 3, 4, 5, इन तीनों में ही अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8 और 2, 5 जा 10। आप देखिए दो साइड्स आपको दिख रही है, कौन कौन सी दिख रही है, 8 और 10 दिख रही है, तीसरी साइड मिसिंग है वो है 6 सेंटीमीटर, मतलब OM की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरन ट्रिपलेट, इसका कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नहीं है पता आपको एक बार जाकर के ज्योमेट्री की वीडियो जरूर। अब देखिए ONR में बच्चा लोग, ट्रायंगल ONR में एक साइड 6 है, दूसरा साइड 10 है, तो तीसरा साइड कितना बच गया, 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, देयरफॉर MN, MN इक्वल्स टू होगा, आप कहोगे सर OM और प्लस O।
OM कितना है 6 और प्लस 8 कितना है, तो जी हाँ बच्चा लोग 14 सेंटीमीटर ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगा, समझ आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सभी बच्चों को ट्राई करना है और विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करना है और फिर उसके बाद आंसर बताने हैं। चलिए तो भाई टाइमर ऑन कर दिया मैंने, देखते हैं कौन बना। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। क्वेश्चन साइन 20 कॉस 70 प्लस साइन 70 कॉस 20 में इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क का मान है। ये क्वेश्चंस एग्जाम के ही हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर ट्राई करें और बताएं आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों के आंसर आ गए होंगे और आप लोग आंसर कर भी रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी आया कैसे, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आप किसी एक सिंगल एंगल में पूरे को कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए साइन 20, ठीक है बच्चा साइन 20 डिग्री, अब इसके बाद 70 की जगह पे 20 चाहिए। हालांकि कन्वर्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइन में कन्वर्ट होगा क्योंकि 70 की जगह में चाहिए 20, और बाकी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस 70 को ही लिख सकते हो 90 माइनस 20, ठीक है, और प्लस साइन 70 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 20 इंटू कॉस। इसी की वैल्यू पता करनी है, कॉस 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा बच्चा लोग साइन 20। तो ये देखिए साइन 20 इंटू साइन 20 साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 20 मतलब कॉस स्क्वायर। आप सभी बच्चे लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ आए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्या करोगे बेटा, उड़ा के आना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें कौन सा। ये रहा बच्चा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और हर बच्चा बना सकता है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, सुपर इजी क्वेश्चन है। जल्दी से मैंने टाइमर ऑन कर दिया, सारे बच्चे लोग बनाना स्टार्ट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक तरीका आप लोग को बता चुका हूं, आप सारे बच्चे सॉल्व करते जाइए, कमेंट बॉक्स पे आंसर करते जाइए, कमेंट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना, आंसर करते जाना, अपना जुनून अपना जोश दिखाना है वहां पे, कितना आप लोग को क्वेश्चन बन रहा है और कितना एंजॉय कर रहा है। तो बच्चा लोग आपने आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, मैं हमेशा कहता हूं इन क्वेश्चंस में क्या फॉलो करते हैं बेटा, हम इन क्वेश्चंस में हम फॉलो करते हैं वी वर्ड मास रूल। वी वर्ड मास, वी फॉर विनकुलम ब्रैकेट, बार ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट से शुरू करते हैं बच्चों, 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, ठीक है, और 3 माइनस 7 कितना हुआ -4 हुआ, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब प्लस का 4 और ये भी हो जाएगा प्लस का 4, गौर से समझिएगा। अब इसके बाद चाहो तो एक बार पूरा लिख लो, 10 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 और प्लस 4 और प्लस 4 ना हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। बच्चा लोग यहां से देखो ध्यान से, अब देखो यहां से 11 11 121 121 कैंसिल, 1 बच गया, 1 प्लस 8 9, तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1 हो गया। जिन बच्चों को ये 8 नहीं समझ आया, देख लो बच्चा लोग यहां पे प्लस 4 आया था, यहां प्लस 4 आया था, दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और बड़े ब्रैकेट के अंदर दोनों बंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 1 इसका करेक्ट, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे और समझ आ रहा होगा। अगर एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बच्चों।
अब अगला क्वेश्चन है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एकदम इजी सुपर आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डरना नहीं है, तुम सब बना सकते हो। क्या क्वेश्चन है? इन द गिवन फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल PQR इफ PQ इज पैरेलल टू SR। PQ पैरेलल है SR के, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एंगल PQR का वैल्यू क्या होता है। बहुत बढ़िया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार इसमें समय आपको इस क्वेश्चन में, और सारे बच्चे लोग ट्राई कर लें, है इजी क्वेश्चन, मैं जानता हूं आप लोग के आंसर्स आ गए होंगे, आप लोग आंसर करना स्टार्ट भी कर चुके होंगे, बट थोड़ा सा सभी लोगों का वेट करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। और आप सभी लोग इस क्लास को लाइव क्लास की तरह ही अटेंड करिए बेटा, बिल्कुल एंड तक रुकिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए आपका स्कोर कितना। तो बच्चा लोग आपका आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर बी 100, बिल्कुल सही आंसर। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है, ये गुणधर्म होते हैं कि उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। सबसे पहली चीज, तो ये वर्टेक्स आर या शीर्ष आर पर बन रहा कोण ये कितना होगा, ये होगा भाई 70 डिग्री। 180 माइनस 10, 70 डिग्री, समझ आया। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कोण P और कोण R का योग 180 होगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, एंगल P प्लस एंगल R बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल P दिया है, वर्टिक्स P पर दिया है कितना, 110 डिग्री, और प्लस एंगल R बराबर 180, तो हम कहेंगे एंगल R कितना हो जाए, 70। अब आ जाते हैं, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि PQ और SR ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर। अगर ये दोनों समांतर हैं तो आप जानते हो बेटा कि वर्टेक्स R पर और वर्टेक्स Q पर, वर्टेक्स R पर और वर्टेक्स Q पर बन रहे कोण ये कहलाएंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि आंतरिक विपरीत कोण, अंतः विपरीत कोण, याद होगा बच्चा आप लोग को, इस तरह से कुछ ये बन रहा है। एक ये, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एक कोण यहां पे बन रहा है, दूसरा कोण यहां पे बन रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, मतलब इन कोणों का योग भी होगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर, यही पूछा है हमसे, एंगल क्यू ही एक्चुअल में पूछा गया है, उसी को PQR लिख दिया है। एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल R की वैल्यू हमने निकाल ली, एंगल R है 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल Q हो जाएगा 110। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग आपको समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, जरूर एंजॉय करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन बना, ये रहा भाई, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:8। ट्रायंगल इज, एक त्रिभुज के कोण, ये आपके बाएं हाथ का खेल है बच्चा, है कि नहीं, एक त्रिभुज के कोण 3:4:8 के अनुपात में है, तो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज होगा, ये पूछ, देखिए जरा अपन बताए, आप सबने आंसर कर दिया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप सब बच्चा लोगों ने कहा, सर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों एंगल्स 3:4:8 में हैं, तो अगर हम मान ले बेटा कि कोण क्या क्या है, 3x है, 4x है और 8x, इन तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री, इन तीनों का योग 180 डिग्री, 4 3 7 8 15, तो हम कहेंगे भाई 15x की वैल्यू कितने के बराबर बेटा, 180 डिग्री। 15x की वैल्यू जब 180 डिग्री, तो x बराबर कितना भाई, 12 डिग्री। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा कोण, लार्जेस्ट एंगल कितना दिख रहा है, क्योंकि वहीं से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल, लार्जेस्ट एंगल हम कहेंगे क्या होगा, 8x होगा बेटा, 8 × 12 = 96। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज।
ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, एक्यूट मतलब न्यून कोण त्रिभुज, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु। ठीक है, ये त्रिभुज है तो हमारा आंसर अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, जो कि आप सबने करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कौन बनाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहला कौन बना। बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम ऑप्शन से सॉल्व होने वाला सवाल है, बस चलो आप लोग बस इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए, इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस ऑप्शन को देखिए और उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा किसका फैक्टर है, जिसका फैक्टर है वो आपको सभी लोग यहाँ पे दिखाई दे, जिसका फैक्टर है वो सभी के सभी आपको इस ऑप्शन में क्वेश्चन में दिखाई दे। तो बच्चा लोग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऐसे क्वेश्चन में जब कह रहा फैक्टर है, आप देखिए कहां पे ए एक्स और बी वाई दोनों है, अगर आप देखें गौर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, लेकिन टू ए बी के साथ एक्स और वाई मिसिंग है, क्योंकि जब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करते हैं तो ए एक्स बी वाई दोनों आना चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर बी में भाई कहानी, यहाँ एक्स जोड़ दिया, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में भाई यहाँ पे भी है ए बी एक्स वाई भी है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, यहाँ माइनस दे दिया, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल ऑप्शन से ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन एंजॉय कर रहे हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बनाए देखते हैं। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, देखिए सबसे पहला आंसर कौन है। अपने मार्क्स चेक करने के लिए बिल्कुल एंड तक रुकिए, देखिए कौन से टॉपिक में आपसे कितना बन, बहुत बढ़िया बच्चा बनाते जाइए। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए होंगे, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, गुड। अब आप इस क्वेश्चन को बच्चा लोग आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे, क्योंकि आगे होगा आंसर। अब इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं, इफेक्टिव रेट से भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इफेक्टिव रेट से जल्दी से बना लीजिए, माइंड के अंदर आपने किया होगा कि सर सॉरी इफेक्टिव रेट नहीं, इफेक्टिव डिस्काउंट आपने निकाला होगा कि सर डिस्काउंट जो निकलेगा वो फॉर्मूला क्या कहता है, डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन इंटू डी टू बाई 100, ये फॉर्मूला कहता है। तो बच्चा लोग आप कहेंगे सर इफेक्टिव डिस्काउंट जो है वो 30 प्लस 10 और माइनस 30 इंटू 10 बाई 100, ये है। तो जब कैंसिल करेंगे 30 प्लस 10 40 है, दो जीरो कैंसिल, 40 माइनस 3 कितना हुआ भाई 37। अब सोचिए जरा, एक आर्टिकल को आप 37% के डिस्काउंट पे दे रहे हो, मतलब उसको सेल कितने परसेंट में कर रहे होगे, अगर आपने मार्क प्राइस 100% मानी, अगर आपने मार्क प्राइस 100% माना और 37% का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने सेल किया बेटा उसको 100 - 37 यानी 63% का वैल्यू बच्चा लोग कितना दिया, 315। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, आप इसको रेशियो से भी बना सकते थे, 63% 315 00, तो बच्चा लोग 1% कितना होगा, 1% होगा 3 का मल्टीप्लाई करोगे सॉरी 500 होगा 500। तो हमसे पूछ रहा है मार्क प्राइस, हम कहेंगे देयरफॉर मार्क प्राइस कितना परसेंट, मार्क प्राइस होगा 100% और ये 100% का वैल्यू हो जाएगा 550,000 इज द राइट आंसर, 50,000 रुपए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का, देखें कौन बनाए। टेन फोर ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 20, और कह रहा है कि ये जो थीटा यानी कि ए, थीटा मतलब क्या, ए, ए एंगल जो है वो जीरो से लेकर के 90 डिग्री के बीच का है, जीरो से लेकर के 90 डिग्री के बीच का है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का मान आपसे पूछा। सारे बच्चे लोग बनाए जाए, ठीक है, वेरी गुड, बनाते जाइए बच्चे, सभी से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग बना सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है बच्चा इस क्वेश्चन का। गुड, तो आप सब लोगों ने बना दिया होगा क्वेश्चन आंसर इसका, जी हाँ बच्चा लोग, क्या है ऑप्शन नंबर सी 22। आपको पता है कि ये टेन के साथ में एंगल इक्वल होगा कॉट के साथ एंगल, तभी जब दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री, कब, जब दोनों के कोणों का योग मतलब 4a प्लस a माइनस 20, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा 90 डिग्री। ये दोनों तभी इक्वल होते हैं जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो बच्चा लोग 4a प्लस a क्या हो गया, 5a, ये 20 उधर जाकर के 90 प्लस 20 हो जाएगा 100, ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 110 बटे 5, यही तो हमसे पूछा, ए बराबर कितना होगा 22। 0 से 90 मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा था क्वेश्चन। चलो बच्चा लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन है कौन से, ज्योमेट्री का अगेन, और ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका ट्रिक बता चुका हूं, अगर आपने ज्योमेट्री का सेशन नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, मैथ्स महेंद्राज लाइव ये टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन वहां पे मिलता है। और मेरा क्लास डेली 7:30 to 8:30 होता है महेंद्राज के यूट्यूब चैनल पे, तो डेली ज्वाइन करना ना भूले। अभी चल रहा सुपर 25 क्वेश्चन, देख रहे हैं हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों लोग इसका शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया उससे आपने आंसर बना लिया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, आप कहेंगे तो पूरा इसका सोल्यूशन भी एक बार दिखा दो, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो बच्चा लोग देखिए, आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी 70। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, मैं ट्रिक बता देता हूं सबसे पहले। कह रहा है वर्टेक्स ए से, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर डाला गया है लंब, और शीर्ष से उसी शीर्ष का खींचा गया है कोणार्धक, एक्यू क्या है, कोणार्धक है, एक्यू इज द बाइसेक्टर, कोणार्धक है मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए। तो जब कभी भी किसी भी वर्टेक्स से, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब कभी भी किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए और साथ ही साथ सामने वाली भुजा का, सामने वाली भुजा पर उस कोण का कोणार्धक खींचा जाए, तो उस लंब परपेंडिकुलर एपी और कोणार्धक एक्यू के बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा बच्चा लोग, ये एंगल निकालने का एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये एंगल हमेशा बाकी दो शीर्षों के कोणों, यानी कि अगर हम एंगल पी ए क्यू की बात करें, एंगल पी ए क्यू की जो होगा बाकी दो कोणों, एंगल बी प्लस एंगल सी, सॉरी एंगल बी माइनस एंगल सी, ये साइन मैंने इसलिए लगाया कि इनमें से जो भी ग्रेटर है आप उसको पहले रख लीजिए, एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय। तो बच्चा लोग एंगल पी ए क्यू, आप कहोगे सर 60 माइनस 30, ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, थ्योरम होती है, अपॉन टू, यानी कितना होगा चाहे बच्चा लोग 30 अपॉन 2 15 डिग्री। जब ये बच्चा लोग 15 डिग्री का आ गया, सुनिएगा ध्यान से, ये 15 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो आप कहोगे देयरफॉर एंगल कौन से ट्रायंगल में ले लो, ट्रायंगल एपीक्यू की ही बात, ट्रायंगल एपीक्यू की बात करोगे तो आप कहोगे सर 90 डिग्री और प्लस 15 डिग्री और प्लस
एंगल पी क्यू ए या एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल क्यू कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग, वो आंसर आएगा आपका 75 डिग्री। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर हुई, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। 90 + 15 = 105 हो जाएगा, 180 में से 105 माइनस कर दोगे बच जाएगा 75। ये हमारा आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा लोग, अगला सवाल देखें क्या है। चलो तो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन ये रहा टाइम एंड वर्क से, टाइमर ऑन कर देता हूं, टाइम एंड वर्क भी आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके वीडियो चलो, और आंसर लाइव क्लास की तरह ही आपको सॉल्व कर करके बनाना है और बताना है, ठीक है। वेरी गुड। कहता है क्वेश्चन, ए एंड बी सेपरेटली कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 and 16 days रेस्पेक्ट If they work for one day alternately, starting with A, in how many days will the wall be? A और B अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। A से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे बेटा, आप सबने बना लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे ए कितने दिन में कर सकता है, 12 डेज में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 16 डेज में कर सकता है। तो हम कहेंगे भाई टोटल वर्क कितना, आप सब लोग जानते हो सर, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम होगा, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 48 एलसीएम। तो 48 को ही हम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं, मानते हैं। 48 अगर वर्क है तो 48 अपॉन 12 ए की एफिशिएंसी 4, 48 अपॉन 16 बी की एफिशिएंसी 3, 4 एंड 3। अब क्वेश्चन कहता है अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं, फर्स्ट डे सेकंड डे। फर्स्ट डे कौन आ रहा है, फर्स्ट डे आ रहा है ए, सेकंड डे आ रहा है बी। थर्ड डे फिर कौन आएगा, ए। फोर्थ डे फिर कौन आएगा बताओ बच्चों, बी। फिफ्थ डे कौन आएगा, ए। सिक्स्थ डे कौन आएगा, बी। मतलब जो ऑड डेज है बताओ कौन काम कर रहा है, ऑड डेज में, ऑड डेज में काम करने आ रहा है ए, इवन डेज में काम करने आ रहा है बी। बहुत ध्यान समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब ए आएगा, ए की एफिशिएंसी 4 है, मतलब पहले दिन केवल 4 यूनिट का काम होगा, ए आके करेगा। दूसरे दिन ओनली एंड ओनली 3 यूनिट का वर्क होगा, बी आके करेगा। तो हम कहेंगे 4 + 3 कितने यूनिट का वर्क हो पाया, 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट का वर्क कितने दिन में हुआ, 2 डेज में। 7 यूनिट का वर्क अगर 2 डेज में, तो अब हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क है 48, इसको 7 से 2 दिन के इफेक्टिव वर्क से डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। 7 से 2 दिन के इफेक्टिव वर्क से उसको डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार डिवाइड होता है और फिर सॉल्व करेंगे। तो हमें दिख रहा है 7 से 48 कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड होगा भाई, 6 टाइम्स होगा, 7 × 6 = 42। तो आप कहेंगे सर इसी तरह से अल्टरनेट में कर करके 42 यूनिट का वर्क इधर भी कितने का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, 2 × 6 कितने दिन में, 12 डेज में। इसी तरह से इन लोगों ने 42 यूनिट का वर्क किया, तो 12 डेज से बड़ा एक ही ऑप्शन है भाई, इसके आगे नहीं भी करते बेटा बन जाता, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, केवल बच जाएगा कौन सा आपका। अच्छा दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो ऑप्शन में एक काम करिएगा, एक ऑप्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था आपका 17। ठीक है, ओके। तो यहां पे 17 2/3, 13 2/3 एंड 6 2/3, ठीक है। ये ऑप्शंस अगर हमारे पास हो, ये ऑप्शंस अगर हमारे पास होंगे तो हम कहेंगे अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 17 हमने इसको बताया, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व होगा, अब 12 डेज हो चुके हैं, 42 वर्क हो चुका है, तो 12 डेज के बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 12 डेज के बाद रिमेनिंग वर्क आप कहोगे सर 48 में से 42 हो चुका है, 6 यूनिट वर्क रिमेनिंग बचा है 13th डे के और उसके आगे के लिए।
अब लेकिन 13th डे मतलब ऑड डे कौन काम करने आएगा, ए आएगा, और ए एक दिन में चार यूनिट चार चेयर ही बना पाएगा टोटल, जबकि छह चेयर बनानी है। सोचो मान लो जरा सा कि अगर छह चेयर बनानी है तो चार चेयर ही ए बना पाएगा, मतलब 13th डे पूरा लग जाएगा, है कि नहीं, तब भी दो यूनिट का वर्क बचेगा। तो आप कहोगे सर 13th डे के बाद, 13th डे के बाद रिमेनिंग वर्क 12 डेज तो हो ही गए, 13th डे के बाद 6 में से 4 और 2 यूनिट का वर्क बच गया। अब 2 यूनिट के बाद 13th के बाद 14th डे बी आएगा और बी की एफिशिएंसी 3, तो उसको कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे सर टाइम इक्वल्स 2 अपॉन बी की एफिशिएंसी 3, 2/3 डेज, देयरफॉर टोटल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम 13 और प्लस 2/3, 13 2/3 डेज। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चा लोग को क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यही कहूंगा आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें, क्वेश्चंस में जरूर देखते चलें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है और उनको तरीकों को सीखने की कोशिश करें। टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग एक बार जाकर वीडियो। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, आसान और बढ़िया क्वेश्चन। कौन बनाएगा? The volume of a tank is 72 cubic centimeter. What is water is poured into it at the rate of 60 liters per minute? How much time will it take to fill that tank? बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग मैं जानता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे कहता है वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 72 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल्स टू 72 मीटर क्यूब। अब आपको पता है बेटा एक घन मीटर या एक मीटर क्यूब ये कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर। यानी वॉल्यूम एक्चुअल में कितना है? कितना है? 72 × 1000 लीटर, 72,000। और कहता है 60 लीटर पर मिनट एम्प्टी करता है, तो आप कहेंगे सर टाइम इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम कितना? 72,000 अपॉन रेट कितना है? 60। इतने मिनट्स आएंगे, 100 कैंसिल, 1200 मिनट आएगा। कितना आया? 1200 मिनट, या आप इसी को कहोगे 20 घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए मूव करते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ गए। अगला सवाल ये रहा बच्चे, फिर से एक सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप देखिए कौन बना। अब इस क्वेश्चन को तो हम एकदम आसानी से एकदम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। 2x - 3y एक फैक्टर है किसका? बता सकते हैं बच्चे लोग, सभी लोग आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए। देखिए आंसर करना बिल्कुल लाइव क्लास की तरह और एंजॉय करना है क्लास को, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आंसर आप लोग का आया होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि हमें यहां दिख रहा है बच्चे 2x - 3y, बीच में माइनस दिख रहा है और ये होल स्क्वायर बनाता हुआ दिख रहा है, तो माइनस का 2ab इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल ऑप्शन नंबर ए में है। कि अगर ये फैक्टर है परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर होते दिख रहे, तो स्क्वायर करोगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, सॉरी माइनस 2ab आएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस कौन बनाए? टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी 1800 किलोमीटर and proceed towards each other at an average speed of 44 km per hour and 46 km per hour respectively. Where will the trains meet? Train kahan pe milengi? Dono train kahan pe? Ye question. Do trainen ek hi samay par A aur B se kramshah 44 aur 46 km ki chaal se ek dusre ki taraf chalti hai. Theek hai, very good. Aapko pata hai beta, aapko pata hai aise case mein kya constant hota hai? ऐसे केस में क्या कॉन्स्टेंट होता है? टाइम कॉन्स्टेंट होता है।
जब दो लोग, मैं दिखा देता हूं आपको बेसिक से सॉल्व करके भी, बाकी आप चाहें तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिक से भी दिखा दे रहा हूं, आप रेशियो से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस केस में जब टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की, या डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड की, तो स्पीड का जो रेशियो है उसी रेशियो में उनका डिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चा लोग, ए एंड ये दो प्लेसेस, दो ट्रेन है, तो ट्रेन ए जो है कहां से स्टार्ट हो रही है, प्लेस ए से, प्लेस ए से फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे। पहली ट्रेन का स्पीड कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ट्रेन जो बी से चल रहा है उसका स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, समझिएगा बच्चे, ठीक है, 46 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेंगे और बीच के एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो अभी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, अभी डिस्टेंस है बच्चा लोग 1800 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो ये पता कर लें कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो हम कहेंगे टाइम इक्वल्स होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1800 अपॉन, दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 46 प्लस 44 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितने घंटे लगे, 20 घंटे। तो 20 घंटे पहली वाली चलेगी बेटा, 20 घंटे दूसरी वाली, दोनों ही 20-20 आवर्स चलेगी, ये भी 20 घंटे चलेगी, ये भी 20 घंटे। तो भाई 20 घंटे में बच्चा लोग पहली ट्रेन 44 से कितना किलोमीटर कवर करेगी, 880 किलोमीटर मान लिया है हमने, कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, सी पे, और ये 20 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 920 किलोमीटर। अब ऑप्शन देख लो, कहते हैं 900 किलोमीटर फ्रॉम ए, नहीं हो सकता, 880 फ्रॉम बी, नहीं हो सकता, 920 फ्रॉम ए, नहीं हो सकता, 880 फ्रॉम ए, ऑप्शन नंबर डी करेगा। बोलो समझ आया, ये हो गया बच्चा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक, चलो करें। अब इसके बाद ये हैं बच्चों लोग जून के मंथ में ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मान लीजिए आपको और इंटरेक्टिव पढ़ना है और क्वेश्चंस थोड़े से आपको कम समझ आते हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफिक, सॉरी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लाइक जीएस में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, या मैथ्स में दिक्कत आ रही है, एसबीआई के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया यूपी ट्रिपल एससी पीटी, जो बच्चे, जो कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बैचेज 2nd ऑफ जून से भी स्टार्ट हुए हैं, आगे चल करके आपको बैचेज मिलने वाले हैं 9th ऑफ जून को भी, 16th जून को भी, 23rd जून को भी, और 30th जून को। तो ये बैचेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको www.mahendraj.org पे विजिट करना है, या कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी एक बार पता कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ये प्रोमो कोड अगर यूज करते हैं तो आपको सर्टेन कुछ अमाउंट का डिस्काउंट भी मिलेगा, एक बार जरूर ट्राई करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, बूस्ट करें सभी लोग, ठीक है। और एक बात और कहूंगा बच्चे, अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन बढ़िया लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरा क्लास होता है 7:30 से 8:30 डेली, ज्वाइन कीजिए, और मैथ्स महेंद्राज लाइव ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अपनी क्वेरीज के। चलिए, थैंक यू सभी को। Thank you.